डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खूबसूरत नेचर। आज के इस पुरबहार मौसम में मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि देखिए कितना खूबसूरत हो गया है आसमान, और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। परिंदे उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। और फ्रेंड्स, और क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम ये, और खूब फ्लावरिंग हो रही है पेरीविंकल में भी। और बहुत ज़्यादा ख़ास तो नहीं है वीडियो, फिर भी ख़ास इसलिए है क्योंकि फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं पेरीविंकल कितना ज़्यादा ब्लूम कर रहा है, सदाबहार जिसको कहते हैं। और इधर देखिए, ये चंपे के प्लांट में भी खूब फ्लावरिंग हो रही है। एक फ्लावर ये नीचे गिरा हुआ है, ये देखिए चंपे के फूल बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा रेन लिली। कल की तूफानी बारिश में ये सुबह से ही खिल रहे थे। ये देखिए इधर कितनी मोटी सी बड है, ये आज खिल के पूरा फूल बन जाएगा। और ये देखिए अडेनियम, अडेनियम में अब फ्लावरिंग कम हो गई है। उधर देखिए यूफोर्बिया में भी फ्लावरिंग कम हो गई है अब। और फ्रेंड्स, ये देखिए कल मैंने एक, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है मैंने, ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी सी स्टिक्स, ये करिमवा का साग, इसको कहते हैं करम साग, उसी की वो आया था कल हमारे घर में, तो उसी में नीचे से कटिंग मैंने लगा दी है। ये आप देखिए इसका क्या रिजल्ट निकलता है। लगाते वक्त की तो कोई वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये देखिए, ये जो जहाँ से ऐसे निकला हुआ है ना, ये छोटे छोटे से अंकुर निकले हुए हैं, ऐसे नीचे निकला हुआ था, वही पोर्शन मैंने मिट्टी के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। इस पॉट में भी है और भी है मेरे पास, तो अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। बारिश हो रही है तो शायद है कि ये बहुत अच्छा सा हो जाए। वैसे ये सीड से ग्रो करने से श्योरली ग्रो कर जाता है, बट मेरे पास सभी सीड्स नहीं थे, तो वो आया हुआ था साथ, तो मैंने इसलिए उसको